हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर हॉल वीडियो। ये इस साल का पहला हॉल वीडियो है तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज हम एक ब्रांड से नहीं, हम दो ब्रांड से हॉल करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ फेस ऑफ काइंड ऑफ अ थिंग। दोनों ही ब्रांड्स मेरे चैनल पे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड होते हैं तो मैंने सोचा कि दोनों को आज थोड़ा सा मिला देते हैं एंड देन लेट्स डिसाइड विच वन इज बेटर। ऐसे ही एम ई ओके मेरे मन में आए तो ऐसे ही कर लेते हैं। ऑल्सो अगर किसी भी दिमाग में यह है कि वाओ ये जैकेट तो बड़ी अच्छी लग रही है तो ये मैंने लिया सरोजनी से। मैं कल ही गई थी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। दिस इज फ्रॉम बर्शका, ये मैंने लिया सिर्फ 400 रुपए में। कैन यू गाइज बिलीव? तो आई लव दिस कलर, मेरे पास इस कलर में कुछ था नहीं। ओके ठीक है, सरोजनी की बात करने नहीं बैठे हैं आज हम बात करेंगे मीशो वर्सेज आजियो। आई एम सो एक्साइटेड, आई हैव रिटन ऑल द डिटेल्स इस पेज पे। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद मीशो फर्स्ट। काफी अफोर्डेबल है यार, मीशो है तो मैंने कुछ भी महंगा नहीं लिया इस पे से। एवरीथिंग इज अंडर 470 रुपीज। कैन यू गाइज बिलीव? 470 एकदम मैक्सिमम अमाउंट है, उससे सारा नीचे ही है। ओके सो द फर्स्ट थिंग फ्रॉम मीशो वी हैव इज दिस ब्यूटिफुल पिंक कलर्ड स्वेट शर्ट। तो इसकी क्वालिटी की बात में बात करूँ तो वेरी सरप्राइजिंगली मुझे ये क्या आवाज आ रही है, मैं इसका प्राइस बताती हूँ देन आई टॉक अबाउट इट्स क्वालिटी। ओके सो ये मुझे पड़ा 378 रुपीज का और ये मैंने मीडियम साइज में लिया है। इसमें डिफरेंट कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, मैंने लिया पिंक कलर में क्योंकि मुझे अच्छा लगा था ये कलर। इसकी क्वालिटी इज सुपर्ब एंड दिस इज सुपर वॉर्म, आई स्वेयर। इसके अंदर का फैब्रिक ऐसा ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा, इट्स वेरी कोजी, आपके बॉडी पे आपको बहुत सॉफ्ट फील होगा। इसे पतला सा अजीब सा स्वेटशर्ट नहीं है, सर्दियों के मामले के लिए एकदम परफेक्ट है। ओके सो आप इस टाइम पे इसको डेफिनेटली पहन सकते हो, डेली पहन सकते हो, ये इतना ज्यादा सस्ता है लिटरली। एंड गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें रेटिंग्स बहुत अच्छी है लिटरली, इसको 4.1 स्टार इसकी रेटिंग है। और आपको पता है कितने लोगों ने रेट किया इसको? 4000 से भी ज्यादा लोगों ने इसको रेट किया है। सो ये कुछ ज्यादा ही लोगों को पसंद आया एंड मेरे को भी बहुत पसंद आया ये, सो आई वुड हाईली रेकमेंड। ऑल्सो आप सोच रहे हो कि इसके नीचे जो डेनिम पहनी है वो कहाँ से ली है? वो मैंने अर्बैनिक से ली थी काफी पहले आई गेस। तो जो भी मैं बॉटम्स पहनूंगी ना उनके भी डिटेल्स देती जाऊंगी आपको और उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ओके कूल, सो मेरी तरफ से इसको बिग थम्स अप, मुझे बहुत पसंद आया। ओके लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट स्वेट शर्ट एंड दिस इज द चीपेस्ट आउट ऑफ ऑल, ये सबसे ज्यादा सस्ता है इस हॉल में से एंड दैट इज दिस बेज स्वेट शर्ट। And oh my god, this is again super comfortable. I don't know, इस price में इतनी comfy चीजें कैसे मिल रही है। I like this one, इस पर Los Angeles लिखा हुआ है। Basically जो भी sweatshirts पे California, Los Angeles लिखा होता है वो पता नहीं क्यों मुझे automatically ऐसा लगता है मुझे ये लेना है। ऊपर जैसे jacket डालो and you're good to go, अंदर कोई warmer पहनो, sweatshirt डालो, jacket डालो, बस इतना इज इनफ। मुझे काफी अच्छा लगा इसको भी, अगेन मैंने अर्बैनिक वाली ब्लैक डेनिम्स के साथ डाला था एंड इट वॉज लुकिंग रियली नाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा था। कोई नहीं कह सकता कि ये सिर्फ 265 रुपीज का है, माई गॉड। और मैंने ये भी मीडियम साइज में लिया और इसकी रेटिंग मैं आपको बताती हूँ, ये 4 स्टार रेटिंग है और इसको 9000 से ज्यादा लोगों ने, अप्रोक्सीमेटली 10,000 लोगों ने इसको रेट किया है। सो आप सोच सकते हो कि ये कितने लोगों को पसंद आया है तभी इसकी 4 स्टार रेटिंग है और इतने लोगों ने इसको रेट किया है। एंड मुझे भी जेन्युइनली बहुत पसंद आया बिकॉज इसका अंदर का अगेन ये इस तरीके का फैब्रिक है जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, कोजी प्यारा सा, इट फील्स गुड। बॉडी पे आपको अच्छा फील होना चाहिए व्हेन यू वेयर स्वेटशर्ट्स एंड ऑल, तो वो चुभने वाला फैब्रिक होता तो मजा नहीं आता, बट दिस इज वेरी सॉफ्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड प्राइस तो आप देख रहे हो 265 का, यार कुछ नहीं मिलता इतने में। ऑल्सो इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है, मैंने बेच लिया, आप कुछ और ट्राई कर सकते हो, बट या दिस वन इज ऑल्सो गुड, ब्लैक के साथ बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। सो या ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट आइटम एंड अगेन दिस इज वेरी अफोर्डेबल एंड आई फील दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स फ्रॉम मीशो। जब मैंने इसको पहना था मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था ये, और जिस तरीके जिस डेनिम वगैरह के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो ओके सो दिस इज द नेक्स्ट आउटफिट ऑफ दिस हॉल एंड जैसा पिक्चर में दिखाया हुआ है दिस इज एग्जैक्टली द सेम, कुछ भी ऊपर नीचे कैसा नहीं है, जो पिक्चर में मुझे बिल्कुल वही एग्जैक्ट चीज रिसीव हुई है विच इज अ गुड थिंग। ऑल्सो आई फील ये दिखने में ना बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा है, इसकी फिनिशिंग एंड ऑल बहुत ही सही है। अगर ये ऐसे मेरे को 600, 700, 800 में मिलता मैं लेती क्योंकि इसकी क्वालिटी ही सुपर नाइस, मुझे दिखने में अच्छा लग रहा है ये। ऑल्सो इस पर लिखा है आई डोंट अंडरस्टैंड द प्रिंट, मुझे इतना ये समझ नहीं आया, बट यहाँ पे लिखा है डेयर टू स्टार्ट स्पिरिचुअल ब्यूटी, तो मुझे ये अच्छा लगा था
एंड इस ब्रांड का नाम है पॉइंट ऑफ व्यू, और ये मैंने मीडियम साइज में लिया, मुझे अच्छा लगा. एक्चुअली मीशो में बस एक प्रॉब्लम है, मैंने जो भी मीडियम लिया वो मीडियम लग नहीं रहे हैं, वो सारे स्मॉल लग रहे हैं. तो मुझे स्वेटशर्ट्स थोड़े लूज एंड बैगी ज़्यादा पसंद आते हैं. ये बुरे नहीं लग रहे थे, बट देन अगेन अगर साइज़ थोड़ा बड़ा होता तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता, यू नो. बट अदर देन दैट मुझे इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अमेजिंग लगी. ऑल्सो दिस इज अगेन सुपर वॉर्म, लुक एट इट, बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है ये. एंड मैंने इसको अपनी H&M की ब्लू डेनिम्स के साथ पहना था, जो कि मैंने अभी आई थिंक 15-20 दिन पहले ही वो डेनिम्स लिए है. इट्स अ मॉम फिट डेनिम और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स अगेन फ्रॉम H&M. उसका भी लिंक मुझे मिलेगा, मैं डाल दूंगी. वैसे मैंने ऑफलाइन उससे लिया था, बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डेनिम्स दीज डेज. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ के साथ इसको पहन रही हूँ. वेरी लाइक इट. एंड इसमें भी मैं बात करूँ, इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, 4.3 स्टार है. इसके प्राइस में बता दूँ, दिस इज जस्ट फॉर 359 रुपीज, अप्रॉक्सीमेटली 800 लोगों ने इसको रेट किया हुआ है. सो पीपल आर लाइकिंग दिस स्वेटशर्ट. आई थिंक इतना ज़्यादा भी लोगों की नज़र में नहीं आई है, बट दिस इज गुड वन, मुझे काफी अच्छा लगा. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू माई फेवरेट. दिस इज एक्चुअली माई मोस्ट फेवरेट थिंग फ्रॉम मीशो, एंड आई डोंट नो वाई इसकी रेटिंग बहुत ही बेकार है मीशो पे फॉर सम रीजन. आई डोंट नो, मेरे को जेनुअनली समझ नहीं आया, बट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. मैंने इसको ऑलरेडी 3-4 बार, आई एम नॉट किडिंग, 3-4 बार मैं इसको पहन चुकी हूँ. लेट मी जस्ट क्या होता है, लेट मी जस्ट शो यू. वेट, दिस इज द फोर्थ आइटम ऑफ दिस हॉल. सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो इसका फैब्रिक है, आप देखो इसको ध्यान से, एग्जैक्ट सेम फैब्रिक का मेरे पास H&M की जैकेट है, जो आप लोगों ने आई थिंक हजारों करोड़ों बार देख लिया होगा. अभी जब मैं मनाली गई थी तभी भी आई वॉज वेयरिंग दैट जैकेट, और जैसे मैंने इसको निकाला आई वॉज सरप्राइज कि इसका बिल्कुल एग्जैक्ट फैब्रिक टच करने में भी बिल्कुल H&M वाला ही है जो मेरे पास है, एंड दैट इज सुपर वॉर्म. और ये लुक वाइज भी इतना ज्यादा प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका ये जो जिपर वाला लुक है सामने से, एंड इस पे भी कैलिफोर्निया लिखा हुआ है. एंड इसके स्लीव का साइज भी मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ी लंबी लंबी है ना तो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, और इसका साइज वगैरह भी मेरे पे अच्छे से फिट हुआ. सो आई लाइक एवरीथिंग अबाउट दिस स्वेटशर्ट, एंड ये वॉर्म भी है. आई डोंट नो वाई पीपल डिडंट लाइक इट, और आई डोंट नो, ऐसे कुछ 3 की लाइन में कुछ रेटिंग थी, सो आई वाज सरप्राइज्ड अ लिटिल बिट कि ऐसा क्यों है, बट मुझे जेन्युइनली पसंद आया. ओ आई रियली लाइक दिस वन, वन ऑफ माय फेवरेट्स. हमें इसका प्राइस बता दो, दिस इज अगेन वेरी अफोर्डेबल, दिस इज जस्ट फॉर 417 रुपीज, और इसको मैंने मीडियम साइज में लिया. आई एम ग्लैड मैंने मीडियम में लिया, और ये एक्चुअली मीडियम दिख भी रहा है कि हाँ मीडियम है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर फेवरेट. ये भी मुझे बहुत पसंद आया, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मुझे लॉन्ग स्लीव्स, थोड़ा बैगी ऐसे स्वेटशर्ट्स और हुडीज ज़्यादा पसंद आते हैं एज कम्पेयर टू एकदम बॉडी हगिंग वंस. और ये वाली जो स्वेटशर्ट, एक्चुअली इट्स अ हुडी, स्वेटशर्ट हुडी, ये जो है इट इज़ जस्ट परफेक्ट. मुझे इसकी साइजिंग, कलर, प्रिंट सब कुछ एकदम मस्त लगा. सो दिस इज द फिफ्थ आइटम ऑफ दिस हॉल. और जब मैं इसकी डिटेल्स लिख रही थी तब मुझे पता चला दैट ये मेंस कलेक्शन का है. कभी कभी मेंस कलेक्शन में काफी अच्छी चीजें मिल जाती है. सो आप वीडियो में देख रहे होंगे मैं क्यों इसकी इतनी तारीफ कर रही हूँ. मुझे इसकी फिटिंग वगैरह जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा, एंड दिस इज ब्लैक. सो ब्लैक तो मेरा फेवरेट है, हमेशा ऑल टाइम फेवरेट, आई लव ब्लैक. एंड ऊपर से एकदम परफेक्ट साइज का कुछ मिल जाता है तो मुझे मजे आ जाते हैं. इसको भी मैंने ब्लू डेनिम्स के साथ ही डाला था, हाँ आई गेस, हाँ ब्लू डेनिम्स के साथ ही डाला था. काफी कैजुअल, स्टाइलिश, यू नो, अच्छा लग रहा था मुझे. ऐसे बस हाथ में कॉफी मग की कमी थी, दैट्स इट, बाकी एकदम परफेक्ट आउटफिट था. काफी अच्छी फोटोज आ जाती अगर मैं कहीं बाहर इसको पहन के जाती तो, यू नो, काफी क्यूट लगा मुझे. और इसका प्राइस है 470, एकदम वर्थ इट. एंड इसके भी खास रेटिंग्स नहीं है, आई डोंट नो वाई, बट आई रियली लाइक इट, और एक्चुअली दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑल्सो. सो या ओके, नाउ नेक्स्ट अप इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइटम फ्रॉम मीशो. सो दिस इज द सिक्स्थ आइटम ऑफ दिस हॉल. दिस इज अगेन सुपर अफोर्डेबल, 200 की लाइन में. ओके, तो ये मुझे काफी अफोर्डेबल लगा था, दिखने में अच्छा लगा था. ऑल्सो इस पर लिखा है ओवर थिंकिंग. आई थिंक जैसी फोटो थी ना बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं है. मैं थोड़ा ज्यादा बैगी एक्सपेक्ट कर रही थी बट उतना नहीं है, बट दैट्स फाइन. मुझे डार्क चॉकलेट कलर काफी सुंदर लग रहा था. एंड गाइस, इसके साथ जो मैंने बॉटम्स पहने हुए हैं, बेज वाइटिश जो जॉगर्स हैं, वो मैंने H&M से लिया है अभी बहुत ही रिसेंटली, मनाली जाने से पहले बेसिकली. एंड मैंने 1, 2, 3, 4
चार कलर्स में सेम जॉगर्स लिए एंड आई एम सो ग्लैड. दिस इज आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट परचेजेस फ्रॉम H&M जो कि ये है. दीज आर द जॉगर्स. मेरे को लिटरली मैं सॉर्टेड हूँ सर्दियों के लिए. मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे बॉटम में क्या पहनना है. ये इतने ज्यादा वॉर्म है, मुझे अंदर से और लेगिंग्स वॉर्मर्स कुछ भी नीचे डालने की जरूरत नहीं है. बस ये पहनो एंड यू गुड टू गो. अभी मैं सरोजनी गई थी, सिंपल ये एक ग्रीन कलर में भी हमें पास, मैं वो पहन के गई थी. अंदर मैंने कुछ नहीं पहना था एंड मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी. सो दिस इज रियली नाइस. इसी के साथ मैंने ये डाला था एंड जैसे मैंने इसको पहना मुझे लगा वाओ परफेक्ट, एकदम ट्रैवल आउटफिट है ये. कभी ट्रैवल कर रहे हो आप कुछ अभी सर्दियों में यू नो, तो आप इसको पहन के जा सकते हो. तो मैं स्टाइल में आ रही थी बैग लेके, मुझे अच्छा लगा. मुझे थोड़ा ट्रैवल फ्रेंडली आउटफिट ज्यादा लगा ये, कूल सा. एंड इसमें ओवर थिंकिंग लिखा है और हम लोग आजकल सारे काफी ओवर थिंक करते हैं, तो एकदम बेस्ट बैठ रहा था ये. आई रियली लाइक इट. एंड प्राइस लो, प्राइस ये मेरे को मिला 299 रुपीज में और मैंने इसको ऑर्डर किया लार्ज साइज में. ऑल्दो लार्ज तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा, मीडियम लग रहा है मेरे को, बट ठीक है. और इसकी रेटिंग इज सुपर्ब, 4.2 स्टार्स. 4000 से ज्यादा लोगों ने इसको रेटिंग दिया है. डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, ब्ला ब्ला ब्ला. सो या a big thumbs up from my end as well. Loved it. Now Meesho is done. Let's move on to our Ajio. Okay, so before we start, I would like to tell you ki Ajio pe jo bhi cheeze maine mangayi hain, they are not under 200, 400, 500. ये थोड़े से एक्सपेंसिव है, ऐसे 1000 रुपए के आसपास वाली चीजें हैं इसमें. तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो डेफिनेटली मीशो तो आई थिंक किसी को हरा ही नहीं सकता. मीशो किसी को हरा नहीं सकता, नहीं सॉरी, मीशो को कोई नहीं हरा सकता. बट लेट्स फाइंड आउट कि क्वालिटी किसकी ज्यादा बेटर है. ओके ओके, सो द फर्स्ट थिंग वी हैव इज दिस ब्यूटिफुल पिंक पफर जैकेट. ओ माई गॉड, दिस इज माई फेवरेट फ्रॉम दिस हॉल. आई लव दिस जैकेट सो मच. आई लव एवरीथिंग अबाउट इट. आई लव द कलर, आई लव द फैब्रिक. इट्स सो गुड, इट्स सो सॉफ्ट. लिटरली कलर इतना ज्यादा प्यारा, खाने का मन कर रहा है मुझे इसको. क्वालिटी इज जस्ट टॉप नॉच. अंदर कुछ भी स्वेटशर्ट डाल के इसको जैकेट डाल लो ऊपर एंड यू आर सॉर्टेड. बहुत ही प्यारी जैकेट है ये. एंड ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा महंगा है, प्राइस इसका बहुत सही है. H&M वगैरह पे आप जाके देखोगे ना, बहुत इस तरीके की जैकेट्स वगैरह लिटरली 3000-4000 प्लस होती है. तो ये उतनी महंगी तो नहीं है डेफिनेटली. एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड रियो. तो इसका प्राइस है 1353 रुपीज. मुझे एकदम डिसेंट लग रहा है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिकॉज क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छी है. एंड मैंने इसको स्मॉल साइज में मंगाया, मुझे बहुत अच्छे से फिट हुआ. ऊपर आपको एक ये वाला, एक्चुअली मैं पहन रखा है ब्लैक स्वेटशर्ट टाइप, ब्लैक जंपर है ये जो मैंने H&M से ही लिया था. तो इसका भी लिंक मिलेगा, मैं डाल दूंगी. ओके, डोंट यू वरी गाइज. नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ, दिस इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट. मैं क्या करूँ यार, मुझे लिटरली बहुत अच्छी अच्छी चीजें, लिटरली मुझे बहुत चीजें पसंद आई है. सो जो ये नेक्स्ट चीज है, ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम है इस हॉल का और बनता भी है, बिकॉज इसकी क्वालिटी, लुक, सब कुछ इज जस्ट अमेजिंग. सो द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज दिस ब्यूटिफुल ब्लैक ब्लेजर एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड कैंपस सूत्र. आई एब्सोल्युटली लव दिस ब्लेजर. इसकी फिटिंग इतनी ज्यादा अच्छी आ रही थी एंड मैंने बहुत ही कैजुअली इसको स्टाइल किया, बट आप इसको अपने ऑफिस में पहन के जा सकते हो, फॉर्मली स्टाइल कर सकते हो. एंड दिस इज वेरी वॉर्म कोजी, मुझे अच्छा लगा. प्लस इसका फैब्रिक इज ऑल्सो वेरी नाइस. इसकी फिटिंग वगैरह इज जस्ट अमेजिंग, आई स्वेयर. ओके, सो मैंने इसको लिया था 2255 रुपीज में, बट करेंटली इस पर डिस्काउंट चल रहा है. दिस इज करेंटली अवेलेबल फॉर 1750 रुपीज और ये भी मैंने स्मॉल साइज में लिया. सो लव्ड इट, लव्ड इट टोटली. द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज दिस ब्लैक बाइकर जैकेट. बहुत ही ज्यादा बेसिक है, इसको मैंने जिम में पहनने के लिए लिया है. इट्स परफेक्ट. ऑल्सो आई रियली लाइक द फैब्रिक, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है अंदर से बाहर से हर जगह से. इट्स वेरी नाइस, कोजी, अच्छा है. एंड आई लव्ड द फिटिंग एज वेल, बहुत अच्छे से फिट हो रहा था. एंड दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड फेम फॉर एवर. मैंने पहले कभी कुछ इससे मंगाया नहीं है एंड ये 1204 का मुझे पड़ा और इसको भी मैंने स्मॉल साइज में लिया. अच्छा, जो अब जो नेक्स्ट आइटम है दैट इज वेरी क्यूट. एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत प्रिटी है और इसको भी मैं ऑलरेडी 2-3 बार पहन चुकी हूँ. आई थिंक मैंने फोटो शायद ना डाली हो, अगर मेरे को मिलेगी कोई तो मैं डालूंगी. सो दिस इज द फोर्थ आइटम ऑफ दिस हॉल.
प्लीज इसका फैब्रिक देखो, ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है एंड आई लव द कलर. ये बेबी पिंक कलर है, कैमरे पे थोड़ा सा व्हाइटिश दिख रहा है, बट दिस इज पिंक, बेबी पिंक, प्यारा सा. आई लव दिस वन सो मच. मैंने इसको जब भी पहले भी पहना है, जब भी, तो मैंने ऐसे ही पहना है, डेनिम, ब्लू डेनिम, अंदर ब्लैक कुछ भी टॉप, हाई नेक, ब्ला ब्ला, जो भी डालना डालो, एंड उसके ऊपर ये पिंक जैकेट. ऐसे बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुंह पे भी ऐसे आपका पिंक पिंक सा ग्लो आने लगता है. मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही स्टूपिड बात थी ये, बट ठीक है. और इस पे जो ब्रांड लिखा है वो है JDY और नीचे लिखा है बाय ओनली. सो ये कोई ओनली का कोई सिस्टर ब्रांड है, आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट जो भी है इसकी क्वालिटी सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारी है. प्राइस भी बहुत ऐसे एक्सपेंसिव नहीं है, 1080 rupees का है. और इसको भी मैंने स्मॉल साइज में लिया था, वो मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, करंटली दिस इज आउट ऑफ स्टॉक, बट आपको पसंद आता तो विश लिस्ट में डाल लो, मुझे काफ़ी प्यार लगा था. सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइटम ऑफ दिस हॉल, एंड इट इज अ वेरी प्रिटी, वेरी नाइस स्वेट शर्ट. सो दिस is the last item of this haul. This is a very pretty sweatshirt. I loved the color. मैंने इसको सिर्फ इसके कलर की वजह से लिया था. मुझे ये पिस्ता ग्रीन और सेज ग्रीन, विच एवर ग्रीन इज दिस, बट आई लव्ड इट, मुझे अच्छा लग रहा था. एंड ऑल्सो पहनने के बाद भी इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस. दिस इज अगेन वेरी सॉफ्ट, इसे अंदर से आपको दिख रहा होगा, काफी प्यारा है. एंड दिस वन वॉज फॉर 1305 rupees. इसको मैंने स्मॉल साइज में लिया, और आप इसका साइज देख रहे हो, थोड़ा सा बड़ा सा ही है, स्मॉल नहीं लग रहा एकदम. तो मुझे काफी अच्छा लगा, साइज वाइज सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था. अंदर आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ये H&M का ही जंपर है. सो या गाइज, दैट इज इट, यही सारी चीजें थी. हमने काफी जल्दी कवर कर लिया आई गेस, 11 चीजें. बट लेट मी नो, आपको आजियो की चीजें ज्यादा पसंद आई या आपको मीशो ज्यादा पसंद आया? मुझे पर्सनली मीशो ज्यादा पसंद आया, मे बी बिकॉज प्राइस कम तो है, चलो वो ठीक है, बट इस प्राइस पे जो चीजें मिल रही है वो भी ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है प्राइस है तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है. चीजें लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी है, लाइक जो मैंने आपको वो ब्लैक स्वेट शर्ट बताई, ये वाला, दिस हुडी, या फिर ये जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी है. तो मुझे थोड़ा मीशो ज्यादा बेटर लगा. और आज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट जो भी प्राइस था उसका, उसके हिसाब से उसके कपड़ों की क्वालिटी भी अच्छी थी. सो बट स्टिल आई थिंक मुझे मीशो ज्यादा पसंद आया. वॉट अबाउट यू गाइज, आपको इनमें से ज्यादा क्या पसंद आया, लेट मी नो. अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि हाँ यार आपको एक्चुअली वीडियो पसंद आ रही है. सो बस ऐसे ही कर देना, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बस दैट्स इट. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय, अलविदा. अब मैं जा रही हूँ, ये देखो मेरी 400 रुपए की जैकेट. भैया सबसे बढ़िया तो सरोजनी है, सी. चलो बाय.